कांग्रेस की आजादी की गौरव यात्रा राजस्थान से गुजर रही है। राजस्थान में पीसीसी की ओर से जोरदार स्वागत की तैयारी है और इसी सिलसिले में 21 मई को राहुल गांधी भी आ सकते हैं। तैयारियों के मद्देनजर पीसीसी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक ली। एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की आजादी की गौरव यात्रा 9 मई को जयपुर में प्रवेश करेगी। इसको लेकर दूदू में 9 मई को बड़ी सभा का आयोजन होगा जिसमें 21 मई को राहुल गांधी कोटपुतली आ सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रस्तावित राजस्थान यात्रा को लेकर पीसीसी में तैयारी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पीसीसी चीफ डोटासरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्री शकुंतला रावत, राजेंद्र यादव, आरजेडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर, पवन गोदारा, राम सिंह कसवा, ललित तूनवाल समेत प्रमुख नेता मौजूद रहे। अजमेर में अब यात्रा आ रही है, उसके कार्यक्रम को और अच्छे बेहतर तरीके से उस यात्रा का स्वागत जो लोग बाग कर रहे हैं उनके साथ हम लोग कैसे और सहभागिता करें, इस दिशा में एक चर्चा हुई है। और दूदू के अंदर हम एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं और फिर 21 तारीख को हम लोग राहुल जी से आग्रह करेंगे कि राहुल जी आएँ और उस दिन हम लोग कोटपुतली में एक बड़ी सभा करें। जो देश की आज़ादी में कांग्रेस के महान नेताओं का योगदान रहा है उसको लेकर के जन जागरण एक तरीके से हो रहा है और जो गौरव हैं हमारे देश के जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और आज जो स्थिति में पूरे विश्व में भारत की जो मान सम्मान प्रतिष्ठा और जो महत्व है मैं समझता हूँ उसमें कांग्रेस और कांग्रेस के महान नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसको युवा पीढ़ी को हम लोग इसको बताते आ रहे हैं तो ये बहुत ही एक शानदार गौरवशाली जो कार्यक्रम है मैं समझता हूँ कि इसको सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। जयपुर ज़िले में ये 9 तारीख को प्रवेश कर जाएगी, अजमेर के बांदर सिंदरी से चल के और ये दूदू 9 तारीख को आ जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है कि ये यात्रा राजस्थान में इतनी धूम धड़ाके से निकले और जयपुर में जिस ढंग से यात्रा को रेस्पॉन्स हर जगह मिल रहा है तो जयपुर में ये यात्रा बहुत ही एक ऐतिहासिक इस यात्रा को हम करना चाहते हैं। और इस यात्रा का मकसद है कि पूरे देश में जो आज़ादी की जो गौरव यात्रा है इसका बखान हो और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। कांग्रेस की आज़ादी की गौरव यात्रा ने 15 अप्रैल को राजस्थान में प्रवेश किया था। राजस्थान गुजरात सीमा डूंगरपुर के रतनपुर बॉर्डर पर सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अगवानी की। कोटपुतली से विधायक और राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि गौरव यात्रा के कार्यक्रम पर चर्चा हुई। 21 को वहां कोटपुतली में बड़ी सभा है जिसमें आदरणीय राहुल गांधी जी के आने की संभावना है और वहां करीब 4-5 जिलों से लोग इकट्ठे होंगे और एक मैसेज जाएगा कि जो आज गौरव यात्रा का जो हमारा उद्देश्य है पार्टी का कि गांव-गांव तक मैसेज पहुंचे, लोगों के अंदर भावना आए, जो मोदी सरकार की जो कुरीतियाँ चल रही हैं भाई से भाई को लड़ाने की और जो चल रहा है वो बात भी पहुँचे, बेरोजगारी महंगाई जो है उसके साथ साथ आपसी भाईचारे के लिए हम आगे बढ़ के सब साथ मिलके जाएंगे घोषणाओं। देश में सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आज़ादी की गौरव यात्रा का आगाज हुआ था। ये यात्रा 6 अप्रैल को गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी जो गुजरात और राजस्थान के विभिन्न जिलों से होते हुए दिल्ली की राजघाट पर जाकर संपन्न होगी जिसमें कुल 1013 किलोमीटर की यात्रा में से 707 किलोमीटर का सफर अकेले राजस्थान का रहने वाला है। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।